असल व्यूअर्स, मैं हूँ नौशीन तारिक और दुबई और यूएई से आपको लेटेस्ट अपडेट लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुई हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग जो है वो यूएई और दुबई के विज़िट वीज़ा के हवाले से सवाल पूछते हैं। उनको दुबई और विज़िट वीज़ा के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, वो 13 ममालिक में पाकिस्तान में शामिल है जिस पर मुअत्तल है, पाबंदी है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ शराइत के साथ ये वीज़ा मिल रहा है। और वो शराइत ये हैं कि या तो आप सिंगल अगर मेल हैं तो आप 45 साल से ऊपर आपकी उम्र हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ यानी अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपको जो है वो 18 से 40 साल के दरमियान में वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ये कुछ शराइत के साथ वो वीज़ा दे रहे हैं, विदाउट शराइत वीज़ा नहीं मिल रहा। तो जो भी लोग विजिट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर यूएई दुबई जाना चाहते हैं, वो ये बात जो है वो अपने दिमाग में वाज़े कर लें कि उनको सिंगल कैटेगरी में वीज़ा नहीं मिलेगा। उनको या तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ेगा या फिर अगर उनकी एज ज़्यादा है तो तब इसको अप्लाई कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो वीज़ा लगाएंगे तो आपको वीज़ा की जो फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं होगी, आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि फैमिली के साथ 80% चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए और बहुत कम चांसेस है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स यूएई की जो मैंने आपसे शेयर की। इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।